नमस्कार, आप देख रहे हैं टैलेंटेड इंडिया और मैं हूं राहुल तिवारी। मध्य प्रदेश में बुधवार को दिन भर सियासत की चर्चाएं रही। जी हां, सियासत में जब संत और महंत का प्रवेश हुआ तो सभी लोगों को एक टक लगा कि आखिरकार सरकार का यह निर्णय कितना सही है। दिन भर लोगों में चर्चाएं रही कि आखिरकार सरकार की क्या मंशा है, सरकार की क्या मजबूरी रही जो सरकार को सियासत के साथ अपने कैबिनेट में राज्य मंत्री का दर्जा 5 संतों को देना पड़ा। जी हां, मध्य प्रदेश के 5 धर्म से जुड़े हुए लोगों को शिवराज सिंह चौहान ने राज्य मंत्री का दर्जा दिया है। इनमें 3 प्रमुख नाम ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश और देश की राजनीति में अपना बड़ा दखल रखते हैं। पहला नाम है राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज का, जो राष्ट्रीय स्तर के सभी बड़े नेताओं के खास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह, संघ प्रमुख मोहन भागवत और देश के तमाम सारे जितने भी बड़े नेता हैं वे सब राष्ट्र संत भय्यू महाराज के अनुयायी हैं। दूसरा नाम है कंप्यूटर बाबा का, जो इंदौर के बड़े संत हैं और मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। कंप्यूटर बाबा कई बार सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल चुके हैं और जब कंप्यूटर बाबा अपनी नाराजगी जताना शुरू करते हैं तो सरकार को उन्हें मनाने के लिए वहां जाना पड़ता है। जी हाँ, और तीसरा नाम है सर्वब्राह्मण समाज को लेकर चलने वाले एक बड़े ब्राह्मण नेता पंडित योगेंद्र महंत का। एक ऐसा नाम है जिनसे देश भर के सभी वर्ग ब्राह्मण जो हैं वे जुड़े हुए हैं और देश के करोड़ों ब्राह्मणों को लेकर चलने वाले योगेंद्र महंत को भी अपनी सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। आम जनता ने जब यह खबर पढ़ी तो सवाल ये उठा कि आखिर सरकार की क्या मंशा रही, सरकार की क्या मजबूरी रही जो सरकार को इन लोगों को राज्य मंत्री का दर्जा देना पड़ा। अगर खबरों का विश्लेषण करें, खबरों की माने या जो पहले से खबरें आती थी उन्हें देखें तो देखने में आता है कि कई बार मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार को इन संतों के कोप का भागी बनना पड़ा है। कई ऐसे मौके रहे जब संतों को महत्व ना देने के कारण शिवराज सिंह चौहान इन संतों के निशाने पर आ गए थे और शायद उस नाराजगी को दूर करने के लिए शिवराज सिंह चौहान के पास इससे अच्छा कोई मौका नहीं था। विधानसभा चुनाव नजदीक है और इन चुनावों से पहले संत महंत को अपने साथ लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति को एक नया मोड़ देने की कोशिश शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ की है। सबसे पहले यदि हम बात करें राष्ट्र संत भय्यू महाराज की, तो ये एक ऐसे संत हैं जिनसे देश के लगभग सभी बड़े नेता जुड़े हुए हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हों, चाहे प्रधानमंत्री, चाहे भाजपा अध्यक्ष, राष्ट्रपति या फिर कई बड़े पदों पर बैठे ऐसे व्यक्ति जिनसे कहीं ना कहीं राजनीति का सरोकार होता है, वे सब लोग भय्यू महाराज के अनुयायी हैं और भय्यू महाराज को राज्य मंत्री का दर्जा देना शिवराज सिंह चौहान के लिए बेहद ही सही साबित हो सकता है। भय्यू महाराज को राज्य मंत्री का दर्जा देने की कोशिश शायद शिवराज सिंह चौहान ने इसलिए भी की होगी क्योंकि 1 वर्ष पूर्व सिंहस्थ के समय जब इंदौर में धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था तब शिवराज सिंह चौहान भय्यू महाराज को आमंत्रित करना भूल गई थी। इसके बाद नाराज भय्यू महाराज ने हिंदू धर्म छोड़ने की भी धमकी दे दी थी। भय्यू महाराज के इस फैसले के बाद कई बड़े मंत्री, संघ प्रमुख मोहन भागवत और भाजपा के बड़े नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री को भी सीधे भय्यू महाराज से मुलाकात करने के लिए इंदौर आना पड़ा था। इसके बाद भय्यू महाराज की नाराजगी को दूर करने के लिए शायद शिवराज सिंह चौहान के पास इससे अच्छा दूसरा मौका नहीं था जो उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा देकर यहां शिवराज सिंह चौहान ने साधने की कोशिश की है। इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान किसी तरह की कोई परेशानी आती है, कहीं ना कहीं भाजपा संगठन से या संघ से किसी तरह की बात को मनवाने के लिए शिवराज सिंह चौहान को प्रयास करना पड़ता है, तो शायद भय्यू महाराज वे सही व्यक्ति होंगे जो शिवराज सिंह चौहान की बात बड़े नेताओं तक पहुंचा देंगे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो दूसरा बड़ा नाम है कंप्यूटर बाबा। एक कांग्रेसी विचारधारा के संत हैं, ऐसे संत हैं जिन्होंने समय समय पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जब शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा यात्रा निकाली तब कंप्यूटर बाबा ने यह घोषणा की कि नर्मदा के साथ जो गलत हो रहा है, नर्मदा में जो अवैध उत्खनन हो रहा है, सरकार नर्मदा को लेकर जो चुप है उसे लेकर 1 अप्रैल से 15 मई तक संत समाज द्वारा एक जागरूकता रैली निकाली जाएगी और इस रैली के माध्यम से मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार की पोल खोली जाएगी। शायद इस आंदोलन की चेतावनी से डरने के बाद शिवराज सिंह चौहान को भी यह लगा होगा कि कंप्यूटर बाबा उनकी सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। कंप्यूटर बाबा और कई दूसरे संतों के साथ मध्य प्रदेश सरकार ने फिर बैठक भी की और उस बैठक के बाद जब अचानक से यह खबर आई कि कंप्यूटर बाबा को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है तो कहीं ना कहीं इस खबर ने भी लोगों को प्रभावित करने की कोशिश की। कंप्यूटर बाबा वे व्यक्ति हैं जो संत समाज में भी अपनी बड़ी पैठ रखते हैं और इंदौर में राधे राधे बाबा, जिन्हें महामंडलेश्वर का भी दर्जा है और सरकार द्वारा राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है, उनसे कंप्यूटर बाबा की जो तलखियों की खबरें हैं उन्हें थामने के लिए, इंदौर में सभी संतों को एक साथ लाने के लिए शायद शिवराज सिंह चौहान ने यह कदम उठाया होगा। तीसरा बड़ा नाम है पंडित योगेंद्र महंत का। ये एक ऐसे शख्स हैं जो ब्राह्मणवाद की राजनीति में विश्वास रखते हैं,
देश भर के ब्राह्मणों को लेकर चलने वाले पंडित योगेंद्र महंत के लाखों ऐसे ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। अगर योगेंद्र महंत को राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है तो इसके पीछे शिवराज सिंह चौहान की यही मंशा होगी कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के जो ब्राह्मण हैं, मध्य प्रदेश का एक ऐसा बड़ा वर्ग जो शायद विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा लाभ दे सकता है, उस तक पहुंचने के लिए योगेंद्र महंत एक सही व्यक्ति साबित होंगे। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की राजनीति में अब संत और महंत का दखल होगा। राज्य मंत्री का दर्जा शिवराज सिंह चौहान सरकार ने दिया है और शिवराज सिंह चौहान अब संतों को लेकर प्रदेश की राजनीति के रथ को आगे बढ़ाने की कोशिशों में है। देखना होगा कि 8 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान किस तरह से अब अपनी राजनीतिक समीकरणों को बैठाते हैं और जिन संतों के विरोध को थामने के लिए ये पूरी कवायदें की गई है, अब उन संतों का साथ लेकर शिवराज सिंह चौहान किस तरह से मध्य प्रदेश में अपनी पारी के लिए एक नया आयाम रचने की कोशिश करते हैं। बहरहाल द टैलेंटेड इंडिया की इस खास पेशकश में इतना ही। और अधिक खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।